बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ इस्लामाबाद की एक नर्सरी में, और ये नर्सरी बेसिकली यहाँ पर हर तरह का पौधा आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाली जो नर्सरी है यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव हमें सब कुछ मिला। इस वजह से हमने यहाँ से जितनी भी चीज़ें, जो भी हमारा एक्सपीरियंस था, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर कहाँ हम गए और कहाँ पर सस्ती जो है वो नर्सरी थी जहाँ से हमें चीज़ें मिली, और रेट का क्या डिफरेंस था, वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। नो डाउट नर्सरी में हर तरह का पौधा था, हर तरह की चीज़ें थी। ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ से हमें कोई पौधा ना मिल रहा हो, लेकिन उनके रेट्स इतने हाई थे कि हम लोग खुद परेशान थे कि ये चीज़ तो इतनी महंगी मिलती भी नहीं है। शायद जगह जगह का फ़र्क और इलाके इलाके का फ़र्क, लेकिन वही पौधा जो यहाँ पे 400 रुपये का था, जैसे मनी प्लांट हम लोगों ने देखा, वो यहाँ पे वो बंदा हमें 400 रुपये का दे रहा था, वही हमें 250 रुपये का मिला जब आप लोग इस्लामाबाद हाईवे यानी PWD से आगे जाते हैं उधर। तो ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंस वगैरह क्यों, ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये नर्सरी में आपको किस तरह के पौधे मिल जाते हैं हम उसकी भी बात करेंगे, सिर्फ प्राइस रेट का डिफरेंस नहीं बताऊंगी। इधर आपको छोटे गमले के अंदर लगे हुए पौधों से लेके बड़े बड़े गमलों तक भी आपको सारे पौधे मिल जाएंगे। गेंदे का फूल है यहाँ पर, एक और बहुत खूबसूरत प्लांट है जो कि बैम्बू फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, इसका नाम ड्रेसिना प्लांट है, और ये बहुत अच्छा इस तरह ट्विस्ट होता होता ऊपर जाता है। अच्छा, यहाँ पर और बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स थे, मैं इनके नाम भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर पेटूनिया भी था, और यहाँ पर ऐसे फ्लावर्स भी थे जिनके जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं वो सारा सिस्टम, तो पेटूनिया उसको कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको मॉस भी मिल जाता है, आपको यहाँ पर इवन मशरूम्स, फर्न्स और श्रब्स वगैरह, हर्ब्स वगैरह, फ्लावर्स, किसी भी तरह के इवन वाइल्ड फ्लावर्स भी मिल जाते हैं। ग्रास तो आपको वैसे ही ये लोग ईजिली प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर बैम्बू ट्रीज़, पाम ट्रीज़ छोटे छोटे लगे हुए थे, वो भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। फ्लावर्स में यहाँ इस वाली नर्सरी में मुझे गुलाब उन्होंने कहा नहीं मिल रहा, हमारे पास देसी गुलाब अभी आना है, तो वो प्लीज़ आप गुलाब का अगर यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। मैं आपको दूसरे एक ब्लॉग दिखाऊंगी, उसके अंदर गुलाब का उन्होंने ज़रूर बताया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो और प्लांट्स थे उसके अंदर फ़र्न भी था, श्रब भी था, आईवी भी था, और यहाँ पे ना लेकिन वैरायटी आपको बहुत मिलेगी। अच्छा, मैंने जितनी भी अब नर्सरीज़ के ब्लॉग्स आपको दिखाने हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी है, तो परेशान नहीं होना आपने कि शायद जहाँ सस्ती है वहाँ पे हमें ज़्यादा जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको इसीलिए मिल जाएगी। ये जो नर्सरी है कहूटा रोड हुमक रोड पर है इस्लामाबाद की तरफ, ये वाले बेल फ्लावर्स और एनिमोनी की टाइप में से हैं जहाँ के पर्पलिश फ्लावर्स निकलते हैं, तो वो आप यहाँ पर देखें। उसके बाद ज़्यादातर तो मैं वाइट ही देख रही थी, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इजीली कैक्टस फैमिली भी मिल जाएगी। ऑल दो मैं कैक्टस फैमिली की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एलोवेरा भी मिल जाएगा, तो अगर आपने स्किन और फेस के लिए वो सब लेना है वो सब भी चीज़ें मिल जाती है। इतना प्लांट होता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि मैं कौन सा पौधा लूँ तो कौन सा ना लूँ, और जब आपको एक दफ़ा पौधे लेने की लत लग जाती है तो फिर आप बस नर्सरी में ही घुसे रहते हैं, चाहे आप नहीं देखते अपने बच्चों की तरह आप इनको पालना शुरू कर देते हैं। पेट्स का जैसे लोगों को शौक़ होता है वैसे ही लोगों को पौधों का भी शौक़ होता है, और एक दफ़ा आप एक पौधा ले आए फिर आपको इतना अच्छा महसूस होता है कि बस आप पौधे ही पौधे लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमने जो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो रीज़न था यहाँ आने का वो था कि मैं एक इंडोर प्लांट लेना चाहती थी और मनी प्लांट था मेरे माइंड में, लेकिन उसकी जगह मैंने दो डिफरेंट प्लांट्स लिए। एक उनमें से इलायची था, वो भी आप इंडोर रख सकते हैं, और मनी प्लांट उनके पास इतना अच्छा पड़ा नहीं था इसलिए वो हमने ड्रॉप कर दिया था। और दूसरा जो था वो था कंगी पाम की ही टाइप थी, उसमें से एक था, वो भी इंडोर रखा जाता है। यहाँ पर आपको मॉन्स्टेरा भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ऑक्सटंग भी मिल जाएगी, एलोवेरा जैसे मैंने बताया, चाइनीज़ मनी वो भी आपको मिल जाएगा, और फिडल लीफ फिक भी मिल जाएगा, प्रेयर लीफ भी मिल जाएगा, तो आपको मेरे पीछे दिखाए भी हैं, स्नेक प्लांट भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये आप सारे छोटे छोटे लगे हुए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपकी टाइप है, आपकी ज़रूरत है, आपने किस तरह की किस तरह गमला लेना है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके बड़े गमले में चलते हैं, तो होता ये है जैसे इलायची वाला हमने लिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप इलायची ले रहे हैं तो एक बड़े प्लांट के उसका गमला ले रहे हैं, अगर आप बड़ा गमला ले लेंगे तो उसके बाद ये होगा कि वो 3 साल तक आपका एटलीस्ट चल जाएगा, उसकी खुशबू भी अच्छी फैलेगी, पर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है आप उसको क्यारी में लगाएं या जहाँ मर्ज़ी लगाएं। तो क्यारी वाला सिस्टम तो कोई है नहीं मेरे पास, इसीलिए मैंने गमले में ही प्रेफर किया, और अब पता नहीं 3 साल तो जब गुजरेंगे तब की देखी जाएगी, तब अपडेट ज़रूर दूंगी आपको। ये सामने जो आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट प्लांट है मोतिया, लेकिन मोतिया लगाने के लिए बहुत बड़ा जो है वो उसके लिए भी बाद में गमला चाहिए होता है और तब वो फल देता है, तो ये उसकी थोड़ी सी पनीरियाँ और क्यारियाँ उसकी बनी हुई हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इवन आप यहाँ से सीड्स भी ले सकते हैं। कंगी पाम भी है ये यहाँ पर, और ये इन्होंने इनडोर सा ढका हुआ है इसको, और इतना डिफरेंस था टेम्परेचर का यहाँ पर, हालाँकि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे से मैं आ रही हूँ वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन एकदम जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठंड तो वैसे ही थी और इतनी शदीद ठंड हो गई कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
सकती है। अच्छा, ये जो आप लंबा से डंडे देख रहे हैं ना, ये बेसिकली लेफ्ट साइड पर, राइट वाला नहीं, वो बेसिकली इस्तेमाल होते हैं प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, जितने भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारा मनी प्लांट आ गया, और ये बड़ा बड़ा मनी प्लांट था जो कि तकरीबन 450 समथिंग में इसकी छोटी पनीरी हमें दे रहा था। ये बड़े बड़े नहीं प्लांट्स हमें दे, छोटे वाले पौधे इसके दे रहे थे। ये रबर प्लांट आ गया सामने, रबर प्लांट पेपर, मैं बचपन में छोटी थी, मुझे लगता था इससे हम इरेज कर सकते हैं पेंसिल वगैरह, लेकिन बाद में पता लगा लेटेक्स और इन तमाम चीज़ों में बेचारा इस्तेमाल होता है पौधा। तो ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, इनके ऊपर इस तरीके से इन्होंने ऐसे ये ग्रीन सी एक आप कह लें छत्ती सी दी हुई है, ये तमाम वो प्लांट्स हैं इंडोर में ईजिली चल जाते हैं। और ये मनी प्लांट के पौधे हो गए। उसके बाद यहाँ पर सागू प्लांट भी है। अच्छा, अच्छी बात यहाँ की ये है कि मोस्टली आपको गाइड बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इवन स्पाइडर और डेविल प्लांट्स भी यहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी काफ़ी इंडोर ईजीली चल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास अगर गार्डन नहीं है तो हम क्या करेंगे। इवन अगर आपको छोटी सी बैल्कनी भी है, जैसे कुछ लोगों के पास होता है टेरेस वगैरह होते हैं, छोटी सी बैल्कनी होती है ना फ्लैट्स वगैरह में, तो उधर भी आप लोग रख सकते हैं। स्नैक प्लांट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, पीस लिली भी यहाँ पर था, और उसके अलावा जो और डिफरेंट प्लांट्स हैं, जिस तरह भी जो भी आपको शौक वगैरह हो वो आपके अपने पर डिपेंड करता है, और जो नहीं भी नज़र आ रहे हो आप इनसे पूछ लें तो ये आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कौन सा प्लांट लेना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको इन्हें बताना पड़ेगी। अच्छा, एक और बात जो मुझे यहाँ इधर नर्सरी में अच्छी लगी वो ये थी, ये लोग आपको गाइड बहुत अच्छा कर देते हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो गार्डनिंग करें, अगर वो चाहते हैं कि वो सीड्स से बिल्कुल शुरुआत करें, तो आपको यहाँ पर सीड्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और वो जो सीड्स मिलते हैं उनको किस तरीके से लगाना है ये सारी चीज़ें भी आपको बता देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ मैं आपकी हेल्प के लिए बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को कोई ऐसा मिल जाती है नर्सरी में गाइडेंस जो आप लोगों को अच्छी भी मिल रही है, फिर भी आप एक आध दफ़ा यूट्यूब पे 2-3 वीडियो ज़रूर देख लें कि किस तरीके से आप लोगों ने गार्डनिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, और आपको वो सारी की सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। फूल वगैरह जिस भी सीज़न के होंगे वो सब आपको पता लग जाएगा कि किस सीज़न में आपको कितना पानी और कितना नहीं देना। जो इंडोर प्लांट्स हैं उनके बारे में ये है कि उनको हफ्ते में एक दफ़ा बस आपने पानी देना है, और इतना पानी देना है कि बस उनकी जो मिट्टी है वो अच्छी तरह गीली और तर हो जाए। 2 ग्लास जैसे मुझे एक गार्डनर ने बताया था, और एक बंदे ने तो मुझे बस कहा थोड़ा दे दें थोड़ा दे दें, मतलब कोई गाइडेंस ही मिल ही नहीं रही थी उनकी तरफ से। तो इसलिए ज़रूरी नहीं हर नर्सरी पर जाके आपको कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए, काफ़ी दफ़ा आपको सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को पौधों के अलावा और क्या क्या मिल सकता है, आपको पॉट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, इवन वो वाले बर्तन भी मिल जाते हैं जिन पर आप परिंदों को खाना डालते हैं। और ये वो सीड्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं, इसमें सब्ज़ी के सीड्स वगैरह भी हैं, और ये बड़े बड़े गमले 1000 रुपये के तकरीबन वह यहाँ पर दे रहा था बंदा, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा वाला सबसे उसने कहा था 1000 रुपीज़ का, लेकिन इसके अंदर मिट्टी समेत वो आपको देंगे, क्योंकि मिट्टी जो है वो खाद वाली मिट्टी होती है। हमने तो एक टाइम पे ये भी सुना था कि जो गाय का गोबर होता है वो भी इवन खाद में मिलाया जाता है, और ये हकीकत की बात है, हमने देखा भी था, हमारे माली जो थे वो इस तरह करते थे। अच्छा, तो आपको इस तरह के बड़े बड़े गमले भी मिल जाएंगे, आपको पॉट्स मिल जाएंगे, आपको सजावट के लिए वो जो अक्सर का देखते हैं लटके हुए वो पॉट्स होते हैं जिनमें प्लांट्स होते हैं, वो वाली चीज़ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। वो ये देखें यहाँ बने भी हुए हैं, और सीड्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीड्स आपको मिल जाएंगी। यही वाली वो नर्सरी थी जहाँ पर उस बंदे से मैंने पूछा कि मुझे इंडोर प्लांट को कितना पानी देना, तो उसने कहा बस थोड़ा सा तकरीबन सीधे हमारे पास भाजी वो एक होता है क्या कहते हैं यूज़ करते हैं हम के कंटेनर, उसके थ्रू हम देते हैं, तो वो सही तरह बता नहीं पा रहा था। लेकिन जो दूसरी नर्सरी थी जहाँ मैं गई वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपने 2 ग्लास पानी एटलीस्ट देने हैं, जो पीने वाले हमारे ग्लास होते हैं ना 250 ml वाले वो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़, ये बाहर जो है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के, तो अंदर हमने गमले देखे थे, लेकिन बाहर ये सारे फूल वगैरह, इसमें गेंदे का फूल, मैग्नोलिया, मेरीगोल्ड रोज़ और पिंक वाले जो हैं वो जेरेनियम हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के और फ्लावर्स मिल जाएंगे जो भी आपका मेन पर्पस है। वैसे तो हम लोग देसी बंदे हैं, हमें रोज़ के अलावा और कोई पसंद नहीं आता, यहाँ देसी भी मिल जाएगा आपको, गुलाब और वलाइती भी मिल जाएगा। तो यहाँ बाहर उन्होंने कहा कि सीमेंट से बने हुए हमारे पास गमले और डेकोरेशन स्टफ़ भी हैं, तो वो भी आप एक दफ़ा देख लें। और वो कुछ इस तरह हैं कि काफ़ी पायदार होते हैं, इंडोर के लिहाज से भी अच्छे होते हैं, आप इनको खुद से पेंट कर लें। मुझे पर्सनली गमलों को पेंट करने में खुद से बहुत मज़ा आता है। और अच्छा, अब दूसरी नर्सरी पे आपको लेकर आई हूँ, थोड़ा सा उससे आगे करके थी, लेकिन यहाँ पे पहले इस तरह गली सी है और इधर हम इस तरीके से यहाँ अंदर लेकर आपको जा रहे हैं। हर तरह के प्लांट्स वही जो वहाँ पे भी थे, लीमू का पौधा इवन यहाँ पे मिल रहा था, इलायची का पौधा और जो कंगी पाम है, वो सारी चीज़ें। कंगी पाम अक्सर औकात क्या होता है, छोटे छोटे गमलों में लगा होता है, लेकिन जब वो फिर बड़ा हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, इतना बड़ा गमला नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता तो उसकी स्पेस तकरीबन एक फाउंटेन, छोटे फाउंटेन जितनी होती है, तो बेटर होता है कि आप उसको मज़ीद फलने फूलने के लिए क्यारी में लगाएं।
यहाँ पे गमले वगैरह भी हैं सारे, लेकिन हमें यहाँ से आगे जाना पड़ा। और आगे जो है उन्होंने हमें बताया कि मेन जो है नर्सरी वहाँ, ट्रस्ट में यहाँ पर जो जो सामने लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं पौधे ढके हुए हैं ना, ये तो खैर दूसरे हैं, लेकिन जो लेफ़्ट साइड पर पौधे सारे ढके हुए थे बिल्कुल एक ग्रीन कलर की पड़ताल में, वो तो इतना एटमोसफेयर का टेम्परेचर था। जहाँ मैं बाहर खड़ी हूँ, यहाँ पे जितने ही प्लांट्स आप देखें सारे आउटडोर हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अंदर गई तो एक, जैसे कहते हैं ना कि आप दूसरी दुनिया में आ जाते हो, बिल्कुल वैसा शिफ्ट था टेम्परेचर का। और मैंने कहा तौबा, कितनी कितना डिफरेंस है कि हमारे सर में ना सर्दी से दर्द होना शुरू हो गई थी, इतनी ठंड थी यहाँ पर। लेफ़्ट पे सारा पर्पल हार्ट लगा हुआ था और यहाँ पर कंगी पाम हो गए और इस किस्म के तमाम पौधे, ये सारा पर्पल हार्ट है, इसको पर्पल हार्ट कहते हैं सारे पौधे को जिसके पर्पल कलर के लीव्स निकलते हैं, निकलते ग्रीन हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्पल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पौधे आप इनडोर ईजीली रख सकते हैं उनको बहुत मिनिमम केयर की ज़रूरत होती है, इसीलिए अगर आप पौधे रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इसका एक एक्सपीरियंस हो, तो सबसे पहले थोड़ा सा जो है आप एक आध इनडोर गमला रख के देख लें, अगर वो आपके पास ईजीली चल जाता है फिर एक आध आप आउटडोर का गमला लेकर आएँ और उसके अंदर आप रखें। जब आपके ये तमाम चीज़ें ईजीली हैंडल होना शुरू हो जाएं, आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे, क्योंकि देखें ये भी जानदार में आते हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं, ये उसमें नहीं आते कि आप इनको कहें कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनकी कोई केयर नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचें, ये भी जानदार है, इनका भी हमसे हिसाब होना है। सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे आप देखें, ये मनी प्लांट्स हैं, ये पूरे बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं, तो उन्होंने आपको अच्छी तरीके की गाइडेंस भी दे देनी है, लेकिन जो केयर है वो आपने खुद ही करनी है, और जो केयर आप खुद करेंगे अपने प्लांट की उससे आपको सवाब में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा और अंदर लेके चलती हूँ, बड़ी तरतीब से इन्होंने पौधों को सेट करके रखा हुआ है। और ये कह रहे थे कि अभी तो हम लोगों ने इनको इनडोर इस तरीके से रखा हुआ है, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तो हम ये ग्रीन वाली पड़ताल हटा देते हैं और शेड वगैरह ऊपर ऐसे ही रहता है, तो उससे होता ये है कि ये प्लांट्स जो इंडोर होने होते हैं इंडोर ही रहते हैं, कुछ प्लांट्स को केयर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से पता लगता है कि सख्त सर्दी में भी प्लांट्स ख़त्म हो सकते हैं, सिर्फ सख्त गर्मी में ही पौधा नहीं जलता। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हैं, और अभी यहाँ पे ना आप देखेंगे कि जो जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं ये किस तरीके से ये लोग उगाते हैं और किस तरीके से इनको लगाते हैं मिट्टी में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। बड़ा अच्छा लग रहा था, मेसमराइजिंग सा लग रहा था। और यहाँ पे ये जो भी नर्सरी में आप पौधा देख रहे हैं, आप जो भी लेंगे ये यहाँ पे ना, अच्छा एक और बात बता दूँ, ये जो दो मैंने नर्सरी आपको दिखाई पीछे वाली और आगे वाली, इनके रेट ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन जो ये वाली नर्सरी थी इसके अंदर तकरीबन 10% जो है वो प्राइसेस में डिक्रीज था, कम थी प्राइसेस, बल्कि वो बहुत महंगा दे रहा था सारा कुछ, तो इसके अंदर थोड़ी सी कमी थी। और यहाँ पे एक और चीज़ ये थी कि जो दूसरी वाली नर्सरीज थी जो कि मौजूद हैं PWD वाली तरफ, वहाँ पर बहुत सस्ते रेट्स में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, हमने भी वहीं से फिर पौधे लिए थे। थोड़ा सा आपको फिर फिरा के लेना चाहिए, मेरा भी आप लोगों को ये व्लॉग बताने का यही रीज़न है कि कुछ देखिए ठीक है बेशक वहाँ पे सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो हर जगह से नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए अगर इस नर्सरी से आपको, आप इधर भी ज़रूर आइएगा और इस नर्सरी से भी आप वो तमाम चीज़ें देखिएगा जो आपको मिल सकती हैं ईज़िली। क्यों? क्योंकि कुछ पौधे हर जगह पे नहीं होते, अगर कहीं एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो फिर जाहिर सी बात है शौक़ और मोहब्बत का तो कोई मोल नहीं होता, फिर आपको वो लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी फिर आके लें ताकि आपको रेट्स में डिफरेंस पता लगे। वहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज हैं PWD की साइड पर, तो उधर भी आप लोग ज़रूर जाइएगा। अभी तो जो मैं आपको नर्सरी दिखा रही हूँ इसका मेन मकसद यही है कि प्राइस डिफरेंस पता लगे, प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन कैसी दे सकता है। और अब आगे वहीं मैं आपको लेके जा रही हूँ जहाँ पर वो जो भाई थे वो सारे के सारे प्लांट्स लगा रहे थे, और ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स में पेटूनिया वगैरह ज़्यादातर लोग लगा रहे थे, पता नहीं आई गेस शायद पेटूनिया की ज़्यादा डिमांड है, या बेसिकली रीज़न ये बना कि वो फूल उसके बहुत अच्छे हैं, तो यही रीज़न था कि आगे बाहर आ रही थी, तो ज़्यादातर फूलों वाले पौधों को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा था, और सीजनल जो भी सीज़न है, जो भी सीजनल पौधे हैं उनके, उसके हिसाब से उसको लेके वो लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा रास्ता अजीब था और यहाँ पर मैं बहुत शौक और शौक के साथ दूसरी जूती पहन कर आ गई थी जो मुझे नहीं पहननी चाहिए थी, और वो तो मट्टी मट हुई भी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, शौक का कोई मोल नहीं, हम आगे चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मज़ीद वो किस तरीके से पौधे लगाते हैं। बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था कि सिर्फ बग़ैर कोई टूल इस्तेमाल किए उन्होंने बस छोटे से छोटे छोटे पौधे लिए और उनको लगा दिया। तो ये सारे तो पौधे आपने देख लिए, इनकी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी सारी मिल जाएगी। अब ये जो पौधे रहे थे इनका नाम पेटूनिया है, और ये जो पेटूनिया वाले तमाम के तमाम आप लोग पौधे देख रहे हैं इनको ये किस तरीके से लगा रहे हैं ये देखें आप, बग़ैर किसी भी किस्म के किसी औजार या कोई भी आप समझ लें कि गार्डनिंग टूल का इस्तेमाल करके सिर्फ उन्होंने अपनी फिंगर से ही इसके अंदर एक होल किया और वहाँ पर उसकी रूट समेत उस
पूरे के पूरे प्लांट को लगा दिया। तो इस तरीके से ये तमाम इन प्लांट्स को लगाएंगे और इसकी गार्डनिंग करेंगे। इनके अपने बंदे हैं यहाँ पर और ये इसी तरीके से ही तमाम वहाँ पे वो जो बंदा रेडी लेके नहीं आ रहा था उसमें इसी तमाम प्लांट्स मौजूद थे। ढेर सारे प्लांट्स उन्होंने उठाए और एक एक करके उन्होंने दो दो तीन तीन जो लीव हैं जड़ों के साथ जो एक छोटे छोटे पौधे बने उनको अलग अलग करके इस तरीके से उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। बहुत फैसिनेटिंग, बहुत मेसमराइजिंग लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी उतना ही सेटिस्फाइंग लग रहा होगा ये जैसे ये मुझे लग रहा था। तो कुछ पौधे इतनी आसानी से लग जाते हैं, ये चीज़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि यू नो लाइक थोड़ी सी होप है कि मैं भी थोड़ी गार्डनिंग में जा सकती हूँ। क्योंकि अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि आपके हाथों से लगाई हुई कोई चीज़ परवान चढ़ रही होती है। तो ग्रोथ तो हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन इसकी ग्रोथ की खुशी होती ही अलग है क्योंकि ये प्लांट है। और आपको थोड़ी खुशी भी होती है कि अल्लाह के हाँ भी मैं सुरखुरू रहूँगी कि मैंने इनकी केयर की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं और आप चाहते हैं कि आप गार्डनिंग करें तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर अपनाएं। बहुत अच्छा पेशा है, डिप्रेशन में बहुत हेल्प करता है और ख़ास करके वो लोग जिनके पास कोई अच्छी हॉबी नहीं है। हालांकि इससे आपको कोई पैसे नहीं मिलने, लेकिन अव्वल वो तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको पेशा ना बनाएं पैसों वाला तो। लेकिन फिर भी अगर आप इसको एज आ शौक कर रहे हैं, पैसे आपको कोई नहीं मिलने, लेकिन जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपको मेंटल हेल्थ मिलेगी, हर चीज़ हम पैसे के लिए नहीं कर सकते इस दुनिया में। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने शौक के लिए करनी होती हैं, और जब आप करते हैं उससे जो आपका मेरे ख्याल से जो सुकून आपको मिलता है वो पैसे से भी बढ़ के दौलत है। क्योंकि मेंटल पीस हमारी असल दौलत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन जो सुकून है अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो उस पैसे का उन्होंने क्या करना है। सो आई होप कि इसी के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इस नर्सरी से गार्डनिंग के थ्रू कोई भी रिलेटेड चाहिए हो, मैं अपने लिहाज से पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को एक्सप्लेन करने की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।